सरकार ने प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के लिए एक नए तरीके को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि एपीएम गैस के रूप में जाने जाने वाले पारंपरिक पुराने क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस को अब अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे अधिशेष देशों में गैस की कीमतों के बजाय कच्चे तेल की कीमत से जोड़ा जाएगा। तेल सचिव पंकज जैन ने गुरुवार को कहा कि इससे पाइप नेचुरल गैस पीएनजी 10% सस्ती हो जाएगी और कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी की कीमत 6% से 9% तक कम हो जाएगी। सरकार इस बदलाव की घोषणा के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी करेगी और यह फैसला शनिवार से लागू हो जाएगा। सरकार ने एक बयान में कहा, इस तरह की प्राकृतिक गैस की कीमत भारतीय क्रूड बास्केट के मासिक औसत का 10% होगी और इसे मासिक आधार पर अधिसूचित किया जाएगा। प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के साथ भारत 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6.5% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य बना रहा है। सुधारों से प्राकृतिक गैस की खपत का विस्तार करने में मदद मिलेगी और उत्सर्जन में कमी और शुद्ध के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान मिलेगा। शून्य, सरकार ने प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से जारी बयान में कहा।